हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है संडे और अभी दोपहर के 12:30 के करीब बज रहे थे। इस ब्लॉग को मैंने कब बनाया था उसका डेट मैं दे दूंगी, क्योंकि ब्लॉग मैं पहले ही शूट कर लेती हूँ और एडिटिंग बहुत दिन बाद करती हूँ, तो आप लोगों में थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़न हो जाता है ना कि किस दिन का ब्लॉग है, डेट आपने तो बताया ही नहीं, तो मैं डेट बताना भूल जाती हूँ। बट इस ब्लॉग में मैं मेंशन कर दूंगी कि ये कब का ब्लॉग है, किस दिन मैंने ब्लॉग बनाया था। और एडिटिंग का एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि दोपहर को ही मैं एडिटिंग करती हूँ जिस वक्त ईशान सोता है। तो आजकल मुझे क्या हो रहा है ना, उसको सुलाते सुलाते मैं खुद भी सो जाती हूँ कभी कभार, तो नहीं टाइम हो पा रहा है। इस वजह से ब्लॉग शूट तो लास्ट वीक मैंने 3-4 ब्लॉग शूट किए हुए हैं, बट एडिटिंग एक का भी नहीं हुआ अभी तक। तो एक एक करके एडिटिंग करके मैं आपको अपलोड करूँगी आपके साथ। ओके, तो यहाँ पे मैं संडे है तो फ्रेश फ्रूट्स और थोड़े बहुत से वेजिटेबल्स भी आ गए थे, और यहाँ पे मैं मछली फ्राई कर रही हूँ। और जो ओरिजिनल क्लिप होता है ना कि मैं किस तरह से मछली फ्राई करती हूँ, वो भी मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ इस व्लॉग में। इसके बाद वाला क्लिप है वो। और अमित को मैं बार बार बोल रही थी कि देखो कैमरा वगैरह सब, मतलब मैं आ रही हूँ या नहीं फ्रेम में, क्योंकि मैं बैक कैमरे से शूट कर रही थी। फ्रंट कैमरे से पता नहीं लाइटिंग की क्या प्रॉब्लम होती है, वैसे मैं फ्रंट कैमरे से ही करती हूँ। मुझे मतलब अपने आप को देख के शूट करना अच्छा लगता है कि चलो ठीक ठाक सब आ रहा है, बट ये बैक कैमरा का है इसलिए ज़्यादा ये क्लियर आ रहा है वैसे ये फुटेज। ओके, तो यहाँ पे मैं मछली फ्राई कर रही थी। और आपने देखा होगा कि मेरे जो आजकल के ब्लॉग्स होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं, मतलब कम लेंथी होते हैं, 10 मिनट के करीब ही होते हैं, क्योंकि मैं बस इतना ही शूट करती हूँ। मुझे एडिटिंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है ना, इस वजह से मुझे लगता है कि छोटे छोटे ब्लॉग्स शूट कर लेते हैं एंड देन जब भी टाइम मिले वॉइस ओवर के साथ इसको अपलोड कर देते हैं। I don't know why you hit the road, but you don't realize I'm on the back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I'm on the back when you're around. तो एक साइड पे मैं वहाँ पे मछली फ्राई कर रही थी और इसे दूसरे साइड पे मैं फ़िश का जो ऑयल होता है वो बना रही थी। तो मैं पहले फ़िश ऑयल नहीं खाती थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कड़वा होता है और उसको बस आपको राइस के साथ ही खाना होता है, काफ़ी कड़वा होता है, तो मैं नहीं खाती थी। लेकिन जब ईशान होने वाला था उस टाइम पे मैंने पढ़ा था कहीं पे कि फ़िश ऑयल काफ़ी हेल्दी होता है प्रेगनेंसी में खाना, तो दोबारा से मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली तभी से मतलब मुझे आदत हो गई थी वो खाते खाते, क्योंकि मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा फ़िश बनता है, यहाँ पर तो मैं उतना ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। एंड इसको बनाना काफ़ी इजी है, बस आपको कढ़ाई गरम करके थोड़ा सा तेल डालना है, देन उसमें नमक और हल्दी ऐड करनी है, आपको फिश ऑयल ऐड कर दो और ढक दो। ढकना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छींटे उसके आते हैं, तो ढक देना है, देन वो अपने आप ही मतलब थोड़ा टाइम बाद वो बन जाता है, बस उसको चावल के साथ आपको खाना है। मुझे यही वाली रेसिपी आती है, बट इसके साथ अगर कोई कुछ और बनाता है तो उसकी रेसिपी मुझे नहीं पता। यहाँ पे ईशान नहा लिया था और वो बैठ के कार्टून देख रहा था, एक्चुअली लेट के कार्टून देख रहा था क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि ब्लैंकेट उसको मैंने दे दिया था हल्का, और वो कार्टून देख रहा था। लाइट मैं जनरली नहीं ऑन करती हूँ जब हम लोग टीवी देखते हैं क्योंकि लाइट पर ही फोकस चला जाता है, बट मैंने अभी ऑन किया था क्योंकि कैमरा में वो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में इस वजह से। और संडे को क्या होता है ना कि जनरली मैं ही ईशान को ब्रश करवाती हूँ, नहलाती हूँ, बट संडे को वो सारा ड्यूटी अमित का हो जाता है, ईशान को नहलाना, ईशान को ब्रश करवाना, तो मेरा छुट्टी होता है उस दिन। ईशान के मतलब मुझे बहुत ही कम ही काम करने पड़ते हैं। और यहाँ पे मैं पता नहीं क्या बात कर रही थी, बहुत पहले का ब्लॉग भूल गई थी, बट कुछ टांग खिंचाई ही हो रही थी हम दोनों में, इतना तो मुझे मेरा ये शक्ल देख के ही पता लग रहा है यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ पे बना रही हूँ सिंपल सा मछली झोल, माछे झोल, बहुत ही पतला सा जो झोल होता है वो हम लोगों को बहुत पसंद आता है, पता नहीं क्यों। बहुत लोग इसमें परवल ऐड करते हैं, आलू ऐड करते हैं, पम्पकिन ऐड करते हैं, मैंने कुछ भी नहीं दिया था, बस टमाटर, 3 टमाटर मैंने इसमें दिए थे मीडियम साइज़ के, और अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज थोड़ा सा बस, और वो मछली आपको ऐड कर देनी है। मतलब इसका रेसिपी मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पा रही हूँ, मतलब मैंने कैसे बनाया था, बट वो काफ़ी अच्छा बना था। अच्छा, मैं यहाँ पे एडिटिंग कर रही हूँ, बाहर फ़िश वाला आया है फ़िश बेचने के लिए, सी आपका आवाज़ भी सुन सकते हो आप, ये देखो यहाँ पे यही होता है, मैं एडिटिंग करती हूँ बाहर के इतने सारे आवाज़ आते हैं ना कि मुझे दोबारा से वो शूट मतलब एडिट करना पड़ता है, बट खैर रहने देते हैं। ओके,
यहाँ पे लंच मेरा बन चुका था और पूरा किचन भी मैंने क्लीन कर दिया था, सारे सब्जी और फ्रूट्स मैंने रख दिए थे अरेंज करके, एंड स्लैब भी क्लीन कर लिया था। ओके, थोड़ा सा टाइम था क्योंकि अमित अभी नहा रहे थे तो वो निकलेंगे, उसके बाद मैं नहाऊंगी, मुझे थोड़े से कपड़े भी धोने थे, तो मुझे लगा कि तब तक ईशान को लंच करवा देते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया था, एंड उसके बाद फिर कपड़े वगैरह धो के मैं नहा के निकली, फिर मैंने और अमित हमने दोनों मिलकर लंच किया। इस घर से पहले मैं जहाँ रहती थी ना, जिस घर में, वहाँ पे जो मेरी नेबर थी और एक मेरी फ्रेंड है, तो दोनों अभी आए हुए थे यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए। तो लंच करने के बाद मैं रेस्ट कर रही थी तो उनका फ़ोन आया कि हम लोग आ रहे हैं, एंड काफ़ी दिनों से ही वो लोग प्लानिंग कर रहे थे यहाँ पे आने के लिए। तो एक्चुअली उन्हें पता है प्रेगनेंसी के बारे में मेरा, तो जिस वजह से मिलने आने वाले थे वो लोग, तो आज वो लोग आए थे और बस अभी अभी हुई वो लोग गए। करीब 2-2.5 घंटे वो लोग थे यहाँ पे, 4 बजे आए थे, 6:30 बज रहे हैं अभी। तो बहुत अच्छे से बातें हुए, बहुत दिनों बाद एक्चुअली हम लोग मिले, फ़ोन पे अक्सर बात होती है बट मिले हैं काफ़ी दिनों बाद। एंड एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड गाँव चली गई थी, रिलेटिव की शादी था उनका, तो इस वजह से पोस्टपोन हो गया, वरना वो लोग पहले ही आ जाते। तो आए हैं और इतनी सारी चीज़ें लेके आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पूछा कि ये सब कुछ किस लिए, तो उसने कहा कि यार तुम्हारे लिए कॉल लाता, मैं हमने तुम्हारे लिए कुछ लाए नहीं, तो आने वाले बेबी के लिए है। उसके गांव से वो लेके आई है मेरे लिए, एंड ये वाला पीठे, इसको गुड़ पीठे बोलते हैं। तो ये अपने गांव से वो मेरे लिए मतलब बचा के रखी है कि मेरे पास जब वो आएगी तब वो मेरे लिए लेके आएगी। एंड ये नमकीन, उसके बाद ये जो बेर होते हैं वो बेर, पोमोग्रेनेट, इतने सारे ऑरेंजेस, और इसके अलावा ये अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि मैं बंगाली हूँ एंड उन्हें पता है कि बंगालीज फिश खाना पसंद करते हैं, तो मेरे लिए वो स्पेशली फिश बना के, मतलब उनके हस्बैंड ने फिश बना के भेजा है क्योंकि उन्हें लगता है कि मतलब फिश की क्रेविंग हो रही होगी इस टाइम पे। इतनी सारी चीज़ें वो लोग लेके आए हैं और मुझे पता नहीं, मतलब इतना स्पेशल सा फील हो रहा है क्योंकि जब आप बाहर रहते हो, आपके घर वाले यहाँ पे कोई नहीं है, पर इस टाइम पे आपको पैम्पर करने के लिए, आपको स्पेशल फील करवाने के लिए अगर कोई छोटी सी भी कोई चीज़ कर देना तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी ना स्पेशल सा फील करते हो। तो अभी कुछ उसी तरह का मेरे साथ भी हो रहा है। तो चलिए, अभी अमित गए हैं उन लोगों को छोड़ने के लिए और ईशान का डिमांड है कि उसको पिज़्ज़ा खाना है, कल से ही वो बार बार बोल रहा था, तो कल एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, खाना भी मेरा बन गया था तो इस वजह से, और मैंने मना कर दिया कल, तो आज वो लेके आएंगे। तो आप सबको तो पता ही कि मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ एंड यहाँ पे मेरे घर वाले कोई भी नहीं है अभी फ़िलहाल मेरे साथ, तो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था जब वो लोग आए थे एंड यू नो बातें वगैरह हो रहे थे, मुझे बहुत ही ज़्यादा अलग सा फील हो रहा था। इस टाइम पे मुझे लगता है कि अगर आपके लिए, मतलब अगर आपको कोई जस्ट थोड़ा सा पूछ भी ले रहा कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो बताना या फिर कुछ ऐसी बातें, तो आपको काफ़ी अच्छा लगने लगता है वो। ओके, तो यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा आ गया है, ईशान को पास्ता पिज़्ज़ा खाना था, टीवी में उसने ऐड देखा था, उसी से उसको पता लगा पास्ता पिज़्ज़ा का, तो वही हम लेके आए थे एंड अभी हम लोग इन्जॉय करते हैं हमारा पिज़्ज़ा। आई होप कि आपने आज का ब्लॉग इन्जॉय किया होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर हिट करना। मैं मिलती हूँ बहुत ही जल्द आपसे मेरे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।